बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी। जी हाँ, योगदान पत्र किसको नहीं मिलेगा और रिजल्ट को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस चैनल के साथ ही नहीं परिवार के साथ भी जुड़ जाएं, ताकि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 1 और फेज 2 की जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो लगातार आप देख सकें और पा भी सकें। हमारा दोस्तों लगातार ये प्रयास है कि बिहार शिक्षक भर्ती की हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचनी चाहिए कि आखिर में बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग में क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं। उसी को लेकर दोस्तों आज जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया की तरफ से एक कार्यालय आदेश जारी किया गया है, जहां पर जानकारी दी गई है कि भविष्य में जो नियुक्ति की प्रक्रिया होने जा रही है, निकट भविष्य में जो भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है, वहां पर उन अभ्यर्थियों के अभिलेख जो कि ऑनलाइन सत्यापन एवं उनका योगदान कराने का प्रावधान शिक्षा विभाग के माध्यम से किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों का सत्यापन बायोमेट्रिक स्कैन के माध्यम से किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों से किया जाना है। यानी कि आपके जो मूल प्रमाण पत्र हैं, आपकी जो बायोमेट्रिक है, वो सभी चीज़ें सही और सटीक होनी चाहिए। यहाँ तक कि आप देखिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जाति निवास वीटेक सीटेट आधार आदि जैसे जो प्रमाण पत्र हैं उनके मिलान सही होने चाहिए, तभी आप योगदान पत्र के पात्र होंगे। अन्यथा की स्थिति में आपका जो ऑनलाइन योगदान पत्र जनरेट होना है वो जनरेट नहीं होगा, यानी कि उसके लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी। सभी प्रक्रियाओं में, यानी कि जब ये ऑनलाइन आपका सत्यापन होगा, सभी चीज़ें स्पष्ट पाई जाएंगी, तभी जो है जो आपका ऑनलाइन यहाँ पर पत्र है वो जनरेट होगा। ऐसे अभ्यर्थियों का ऑनलाइन पत्र की स्वीकृति यहाँ पर दी जाएगी। देखिए, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं कि अगर आप गलतियाँ करते हैं तो यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन योगदान पत्र है वो जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए बताया गया है कि 10-10 कंप्यूटर, बायोमेट्रिक स्कैनर, प्रिंटर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इंटरनेट, बिजली, पंखा आदि सभी चीज़ों की जो आपूर्ति की चीज़ें हैं, जो आवश्यकता पड़ेंगी उस समय, चाहे वो बायोमेट्रिक करने के लिए, प्रमाण पत्रों की जांच करने के लिए, वो सभी व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से। साथ में जो अधिकारी हैं जो कार्यरत रहेंगे उस समय योगदान पत्र वितरित करने से संबंधित जो सत्यापन होगा उससे संबंधित जो अधिकारियों की यहाँ पर पोस्टिंग है, उनका जो ट्रेनिंग का कार्य है वो भी यहाँ पर कर दिया गया है कि ये अधिकारी रहेंगे और इनको ये चीज़ों की ट्रेनिंग कराई जाएगी। मान लीजिए किसी अधिकारी का बायोमेट्रिक में लगा हुआ है तो बायोमेट्रिक किस प्रकार से करना है उसकी ट्रेनिंग उनको कराई जाएगी। डॉक्यूमेंट सत्यापन किस प्रकार से करना है, ऑनलाइन योगदान पत्र किस प्रकार से जारी करना है, उसका सत्यापन ऑनलाइन किस प्रकार से करना है, ऐसी सभी चीज़ों की जो ट्रेनिंग है वो इन अधिकारियों को दी जाएगी, जिसके जो नाम है वो ऑफिशियली शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर चीज़ें और भी यहाँ पर बताई गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है। सभी तैयारियों को तैयार रखने के लिए कहा गया है। जैसा कि बीपीएससी ने घोषणा की थी कि 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा, उसी के क्रम में शिक्षा विभाग ने अपनी जो तैयारी है वो पूरी अच्छे तरीके से करके रखी है। लेकिन दोस्तों अभी तक रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, लेकिन अगर रिजल्ट कल या परसों में जारी हो जाता है तो योगदान पत्र मिलने में आपको ज़्यादा देरी नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से योगदान पत्र, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक जैसी या ऑनलाइन, अब क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं, योगदान जो आपका योगदान पत्र है वो ऑनलाइन यहाँ पर जारी होना है, तो सभी चीज़ें बहुत ही तीव्र गति से होंगी। सारी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हैं पहले से ही विभाग की। बहुत सारे ऐसे जिलों के लेटर आए हैं जो कि मैंने पिछले वीडियोस में दिखाए हैं, तो तैयारियां पूर्ण हैं, बस रिजल्ट आने की यहां पर मात्र देरी है। अगर 15-16 में रिजल्ट आता है तो 20-21 तक जो आपका आगे का प्रक्रिया है योगदान पत्र या ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग को लेकर, वो सभी प्रक्रियाएँ सुचारू रूप से आगे बढ़ जाएंगी, ये चीज़ें कन्फर्म हैं। बाकी आगे जो भी अपडेट्स आएगी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल सब कुछ निर्भर करता है बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट पर। जो रिजल्ट जितनी जल्दी आ जाएगा उतनी जल्दी सभी प्रक्रियाएं आगे शुरू हो जाएंगी।